मैं प्रिया आपके साथ। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल से 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार सुबह 6:30 बजे धमाका हुआ। इस इलाके में 32 घंटे में यह दूसरा ब्लास्ट है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। शनिवार रात को भी यहां धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि बम को कोल्ड ड्रिंक के टीन में डालकर लटकाया गया था। फोरेंसिक टीमें जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ। ये दोनों ही कम डेंसिटी वाले बम थे। ये क्रूड बम है। उधर डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा कि अभी इन धमाकों के मकसद के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। आतंकवाद, शरारत और पर्सनल एंगल तीनों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच में जुटी है। आज जो ब्लास्ट हुआ शनिवार को हुए धमाके वाली जगह से 10 मीटर की दूरी पर था। बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा से महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति वाले चौक तक एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं शनिवार को हुए धमाकों को पुलिस पहले रेस्टोरेंट में चिमनी का ब्लास्ट मान रही थी। जब सुबह जांच शुरू हुई तो पुलिस के तथ्य बदल गए। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह भंडाल ने बताया कि यह हादसा चिमनी के ब्लास्ट से नहीं हुआ था। कुछ संदिग्ध चीजें मिली जिन्हें फॉरेंसिक विभाग देख रहा है।